दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज के सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने गजब की जीत दर्ज की और भारतीय दिग्गजों ने कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर दिया सनसनीखेज बयान। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की जबरदस्त गेंदबाजी को देख भारतीय दिग्गजों ने बयान देते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको सुनकर आपकी भी सांसें रुक जाएंगी। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पर क्या बयान जारी किया, जाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज में कौन है बेहतर गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जहां पर पहले 2 मुकाबले में दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सीरीज को बराबरी पर पहुंचा दिया। तो अंतिम मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पहुंचे और यहां पहुंचकर भारतीय टीम ने बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को मात्र 99 रन पर ऑल आउट कर दिया। जहां भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, तो वहीं पर 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जब उतरी तो गिल ने 49 रनों की सर्वाधिक पारी खेली और भारत को 7 विकेट से जीत दिलाकर सीरीज में 2-1 से भारतीय टीम ने सबको हिलाकर जीत दर्ज कर ली। और वहीं इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव रहे, तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज रहे। और इन दोनों के जबरदस्त प्रदर्शन को देख भारतीय दिग्गज भी अपने आप को बयान देने से रोक नहीं पाए, जिसमें कपिल देव ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम मुकाबले में जीत के हीरो कुलदीप यादव रहे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस अंदाज से शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को चारों खाने चित किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 4 ओवर के अंदर 4 विकेट निकालकर अपनी टीम को बहुत ही सुंदर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और जिसके दम पर भारत इस मुकाबले को जीत पाया। ऐसे में अगर कुलदीप यादव इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो भारत जीत नहीं पाता। तो वहीं इरफान पठान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले के साथ पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर भारतीय टीम को सीरीज जिताने के लिए किसी खिलाड़ी के द्वारा सबसे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने सिर्फ एक मुकाबले में ही नहीं बल्कि पिछले मुकाबले में भी भारत को जीत दिलाने का काम किया था। और अगर भारत पिछले ही मुकाबले में हार जाता तो भारत की काफी बदनामी होती और भारत को जिताने में मोहम्मद सिराज से ज्यादा किसी का भी बेहतर योगदान देखने को नहीं मिला। इसके अलावा सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से प्रत्येक बल्लेबाज गेंदबाज का सीरीज जीतने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने अपने अकेले के दम पर टीम को जीत दिलाई है और जिसमें कुलदीप यादव के बिना ये मुकाबला जीतना नामुमकिन था। तो वहीं मोहम्मद सिराज के बिना भारतीय टीम का सीरीज में जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, नामुमकिन जैसा था। जहां पर मोहम्मद सिराज अगर इस मुकाबले के साथ पूरी सीरीज में विकेट नहीं लेते तो भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर जीत नहीं मिल पाती, और अगर भारतीय टीम को इसी तरीके से आगे जीत चाहिए तो मोहम्मद सिराज का बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।